प्रकृति को काटकर विकास की सीढ़ियां तैयार कर रही सरकार ने खुद के साथ साथ हजारों आम जनमानस को संकट में डाल दिया है। तेजी से आपदाग्रस्त हो रहे जोशीमठ पर इसरो ने जो भविष्यवाणी की है उससे पूरा देश सकते में आ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें और जमीन धंसने की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ये पूरा शहर डूब सकता है। शहर के साथ ही प्रमुख मंदिर, नरसिंह मंदिर और सेना का हेलीपैड भी डूब सकता है। इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC ने जोशीमठ के डूबते क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की इस रिपोर्ट ने जोशीमठ को लेकर सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जोशीमठ को हर हाल में बचाया जाएगा। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की तथा भगवान से जोशीमठ की सलामती के लिए प्रार्थना भी की। कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में सेना के हेलीपैड और नरसिंह मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है। इसरो की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार खतरे वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और इन इलाकों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच यहां जमीन का धसाव काफी धीमा था। इस दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धस गया था, लेकिन 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच भू धसाव की तीव्रता में वृद्धि हुई। इन 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर डूब गया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जमीन धसने से जोशीमठ औली सड़क भी धसने वाली है। हालांकि साइंटिस्ट अभी भी कस्बे में भूमि धसने के बाद घरों और सड़कों में दिखाई देने वाली दरारों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसरो की प्राथमिक रिपोर्ट के निष्कर्ष डराने वाले हैं। हालांकि सरकार ने खतरे की गंभीरता के आधार पर लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।